हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आप लोग, हमने जब बात की थी i20 के बारे में, तो आप में से काफ़ी लोग हमें बोल रहे थे कि i20 एन लाइन की वीडियो लाओ भैया। और बात ये थी दरअसल कि i20 जो उस वक्त आ रही थी, उस जो नया जो फेसलिफ्ट दे दिया था उन्होंने, उस वक्त जो प्राइजेज जो रखी गई थी वो ज़्यादा थोड़ी सी लोगों को ओवर प्राइज लगने लगी थी। कुछ लोगों को ऐसा था कि इस प्राइस पॉइंट पे ऐसे फीचर्स जब, और उसी वक्त फिर एनलाइन वेरिएंट आया और इसने भी काफ़ी तहलका मचाया। लेकिन बात अब यही है कि कितना जो वेरिएशन रहता है दोनों ही गाड़ियों में, और क्या कुछ रहता है सिनेरियोस दोनों के ही वेरिएंट में, क्या क्या आपको फ़र्क देखने को मिलते हैं, उन सब की आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आज i20 एनलाइन का मैं वीडियो करने जा रहा हूँ आपके लिए, और इस जो टॉप एंड वेरिएंट आता है N8 आने वाला है इस वाले वीडियो में, और आपको बताएंगे कि आपको कौन सा अच्छा जो नीड्स के अकॉर्डिंग आपके लिए बैठेगा उसकी बात करेंगे। ऑडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि आपको एन लाइन पे जाना चाहिए या फिर आपके लिए नॉर्मल i20 ही सही रहेगी। तो वीडियो अब शुरू करते हैं। अच्छा, i20 एन लाइन की बात करते हैं। सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं, जो टिपिकल हमें Hyundai की जो कीज देखने को मिलती है आजकल जी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके साथ में। तो यहाँ पे चार बटन आपको देखने को मिलते हैं, लॉक, अनलॉक, होल्ड का बटन है। अगर इसको आप होल्ड करके रखते हो तो वहाँ से जो बूट जो है वो ओपन होता है, रिलीज नहीं होता, सिर्फ ओपन होता है, अनलॉक होता है। जो नीचे वाला है उससे आप अपने जो फॉलो मी होम हेडलैम्प से या फिर जो सायरन बजता है गाड़ी का, आपको गाड़ी ढूंढनी हो कहीं पर भी तो उसका बटन है, यहाँ से आप लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। अब गाड़ी के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप एन लाइन रिटर्न ओवर हियर आप नोटिस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको ग्रिल के अंदर चेकर्ड फ्लैग टाइप ऑफ फिनिश आपको देखने को मिलेगी, जो आपको नॉर्मल i20 में आपको नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे बात करें तो Hyundai का लोगो यहाँ पे, और एक जो हाइलाइटर पॉइंट जो आपको एन लाइन में भी मिलता है, नॉर्मल i20 में आपको नहीं मिल पाता, वो एक रेड स्ट्रिप आपको यहाँ पर मिलती है जो आपको नॉर्मल i20 के साथ में नहीं मिल पाएगी। और इस गाड़ी में जितने भी आप रेड इंसर्ट देख रहे होंगे उन सब के सब जो है वो एन लाइन में ही आते हैं, नॉर्मल i20 में आपको वो सब नहीं मिलते। साइड से बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे से हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, LED यूनिट्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। ऊपर आपको DRL मिलती है, यहाँ पे आपको हेलोजन जो है इंडिकेटर्स मिलते हैं, और साथ ही में आपको ऐसे से कुछ DRL जो है ऊपर से नीचे तक, ऊपर आपको i20 को रिटर्न ओवर दे। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस्ड LED फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी भी फिनिश की रखी है जो कि एक दिखने में अच्छी लग रही है। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक पार्ट आ रखा है, यहाँ से पूरा जो है ग्लॉस ब्लैक पार्ट है यहाँ तक जाता है, और ये भी पूरा जो है पूरा का पूरा जो ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में आपको पूरा जो ग्रिल का जो डिज़ाइन है वो रखी गई है। नीचे आपको रेड इंसर्ट्स मिलते हैं। साइड से बात करते हैं अब तो टायर्स की, सबसे पहले बात करते हैं 195/55 R16 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स Hyundai इसको बोलता है, ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, अंदर आपको रेड कैलिपर्स दिख रहे होंगे, इनफैक्ट आपको अंदर के सस्पेंशंस भी दिख रहे होंगे, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एन लाइन रिटर्न ओवर हियर, यहाँ पे आपको पडल लैम्प दिख रहा होगा, पडल लैम्प है ये। यहाँ पे आपको टर्न ऑन इंडिकेटर जो ORVM पे ऊपर मिलता है, यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ORVM मिल जाते हैं। पूरी रूफ़ गाड़ी की ब्लैक्ड आउट हो रखी है क्योंकि ये मोस्ट इन डिमांड ब्लू एंड ब्लैक कलर है, जो कि कॉम्बिनेशन अच्छा प्रोवाइड करता है। ऊपर आपको ग्लॉस ब्लैक की फिनिश के साथ में नॉर्मल सनरूफ मिलता है, शार्प फिन एंटीना आपको मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ जैसी उम्मीद आप हैचबैक से कर भी नहीं सकते, माय बैड बेड जॉक। यहाँ पे आपको डोर हैंडल ऐसे ऐसे मिलते हैं, क्रोम डोर हैंडल आपको नॉर्मल i20 के साथ में मिलेंगे। यहाँ से आपको यहाँ पे भी सेम है, यहाँ से आप फ्यूल लीड ओपन कर सकते हो। BS6 वाला जो DEF वाला जो सीन रहता है वो इसके साथ में नहीं हो रखा है। टेल लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे i20 मेंशन है, अटेंशन टू डिटेल, ग्रेट जॉब Hyundai। रियर से बात करें तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे जो पूरे रेड लाइनिंग जो LED टेल लैंप्स को कनेक्ट करती है वो एन लाइन की बैजिंग है वहाँ पे। यहाँ पे i20 बैजिंग, चार पार्किंग सेंसर्स आपको नहीं मिल पाते, सिर्फ दो ही है, चार दे देने चाहिए थे Hyundai, कॉस्ट कटिंग। नीचे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ में यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलते हैं, यहाँ पे आपको रियर्स पार्किंग कैमरा इस प्लेस डोर दे, ड्यूअल टिप एग्जॉस्ट आपको मिलते हैं, जो कि इसका साउंड हम अभी आपको चेक करवाने वाले हैं। Hyundai का लोगो, ऊपर आपको विंड जो रियल
वाइपर मिलता है, रियर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और रियर वॉशर भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये नया एडिशन ऐड किया गया है, जो ग्लॉस पार्ट जो है वो पुरानी जो ह्यूंडई आया करती थी एलईडी, इसमें हमने देखा था कि ये पूरा ब्लैक्ड आउट हो रखा था, ब्लैक्ड आउट सी पिलर, उसको हटा के इन लोगों ने फेसलिफ्ट के साथ में एक क्वार्टर ग्लास दिया। लेकिन i20 के एनलाइन के साथ में इस क्वार्टर ग्लास के अलावा यहाँ पे एक ब्लैक्ड आउट फिनिश दी गई होगी, और ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश डज स्टैंड आउट। अब यही है मोटा मोटी तौर पे आगे और बाहर से आप देख सकते हैं, साइड से गाड़ी कुछ ऐसी सी दिखती है। अब जल्दी से इंटीरियर्स के बारे में बात करते हैं और क्या कुछ इंटीरियर्स में आपको मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। इंटीरियर्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले डोर से शुरुआत करते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर, यहाँ पे आपको ब्लैक्ड आउट जो है डोर हैंडल मिलता है अनलॉक करने के लिए, पूरा ब्लैक्ड आउट हो रखा है। यहाँ पे रेड स्ट्रीचिंग आप देख रहे हैं, रेड स्ट्रिप जो है वो स्टैंड आउट जो है सिग्निफाई करती है कि आप जो है भैया i20 एनलाइन में बैठे। ये सारे कंट्रोल्स आपको पावर विंडो से रिलेटेड मिलेंगे, ऑटो फोल्ड ORVM आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फोल्ड सॉरी माय बैड, बोस के स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आपकी परफेक्टली बैठ जाएगी, उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी रख नहीं सकते, सिर्फ टिकट होल्डर या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो छोटे छोटे कागजात है वो सब यहाँ पे रख सकते हैं। अब जल्दी से स्टेप इन करते हैं और अंदर के जो क्या क्या चीज़ें अंदर दे रखी है उसकी बात कर लेते हैं। इंटीरियर से बात करते हैं, मैंने ये सब आपको बता ही दिया। मटेरियल क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो ये टिपिकल ह्यूंडई की हमने देखी है, जैसी वही है, कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो ये मटेरियल्स यूज़ किए गए वो डल है या फिर कोई भी चीप मटेरियल है, ऐसा ऐसा आपको फील नहीं करवाएगी। दो सबके सब हार्ड प्लास्टिक के दे रखे हैं, लेकिन कोई भी आपको चीप नहीं लगने वाला। स्ट्रेट फॉरवर्ड अब बात कर लेते हैं। बाय द वे यहाँ पे बटन्स की बात कर लेते हैं, एसी वेंट्स आपको नीचे मिलते हैं, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, यहाँ से आप अपना जो DRVM ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर होता है वो आप देख सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली ऑन करते हो तो फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर जो है वो DRVM दिखाता है, बेसिकली ड्राइव रियर व्यू मॉनिटर आपको दिखाता है वो। मैं आपको करके अभी दिखा देता हूँ, अभी इसको प्रेस किया, ये देखो ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर आपको दिखाता है अभी पीछे। एनीवेज बात कर लेते हैं, ये हेडलाइट लेवलर है और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन छुपा रखा है, ये देखो यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो अगेन आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, राइट हैंड साइड में आपको टैकोमीटर देखने को मिलेगा, बीच में आपको फ्यूल गेज मीटर और इंजन कूलेंट टेम्परेचर मिलता है, साथ ही में रेव्स और स्पीड दोनों ही आपको डिजिटल में दिखा देता है। अंदर की डिटेल्स के बारे में बात करें तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है आपको, ड्राइव रेंज मिलती है, फ्यूल एफिशिएंसी आपको नहीं दिखाता, ड्राइव इन्फो के अंदर आपको जो मल्टीपल चीज़ें ये दिखा देता है, साथ ही में टेम्परेचर दिखाता है, गाड़ी कितनी चली हुई है वो भी दिखा देता है। इसके अलावा आपको फ्यूल इकोनॉमी बताता है पर्टिकुलर में, इसको आप ओके करके प्रेस करके रखोगे तो रिसेट हो जाएगा। इसके अलावा अक्यूमुलेटेड इन्फो मिलता है आपको। अंदर की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आपको प्रॉपर एक कंपास मिल जाता है और साथ ही में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील के बारे में बात करते हैं अब, तो ये स्टेयरिंग व्हील जो है नॉर्मल ह्यूंडई की गाड़ियों के जैसा नहीं है, ये अलग है, क्योंकि भैया आप i20 एन लाइन में बैठो, बेसिकली एन लाइन के अंदर आप हो, तो ऑब्वियसली ये जो स्टेयरिंग व्हील है जो अलग है और इट डज स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ डिफ्रेंशिएबिलिटी इन अदर देन द ह्यूंडई की अदर कार्स से जो डिफ्रेंशिएट करती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। रेड स्टिचिंग आपको स्टेयरिंग के लेदर के अंदर आपको मिलती है, बेसिकली ये जो स्टेयरिंग व्हील है एन लाइन यहाँ पे भी बैज लग रखा है, इस टाइप के जो बटन्स है वो सब सिग्निफाई करते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल सबके सब, और इससे यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप कॉल्स को कंट्रोल कर सकते हो। राइट हैंड साइड पे आपको जो है वो MID से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे और इस साइड वाले जो बटन्स है वो उससे क्रूज कंट्रोल आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको पीछे पैडल शिफ्टर्स प्रॉपर मिल पा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं गाड़ी के साथ में, और इसके अलावा आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको नहीं मिल पाते। 10.25 इंच की टच स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, ये वही टच स्क्रीन है जब ह्यूंडई ने फेसलिफ्ट i20 को जब लॉन्च किया था उस वक्त इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में लॉन्च किया था उन गाड़ियों को। और अब इनकी बात कर लेते हैं, इनबिल्ट नेविगेशन आपको मिल जाता है, साथ ही में FM टाइम ये दिखा देता है। फ्लूइडिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये लैग कर रही है।
मैप, नेविगेशन, फ़ोन, ब्लू लिंक सेटिंग्स, रेडियो, मैनुअल जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सेटिंग्स के अंदर बात करें तो आपको व्हीकल सेटिंग्स मिल जाता है, जिसके अंदर आपको पार्किंग सेफ्टी, क्लाइमेट, लाइट्स, डोर में बेसिकली ये होता है कि आप जब अनलॉक करो गाड़ी को तो कौन सा डोर्स जो है पर्टिकुलर खुलना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में अगर आपको कोई कस्टमाइजेशन चाहिए या फिर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो आप क्लस्टर से कर सकते हो। बाहर यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में देखते हो तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सिस्टम इन्फो मिल जाएगा, डेट, टाइम, लैंग्वेज सब के सब आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले के रिलेटेड सेटिंग्स भी आपको मिल जाते हैं, जो कि एक वेल लोडेड फीचर प्रोवाइड करती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले बेस ऑब्वियसली आता ही है। और फ्लूडिटी इसकी इतनी है कि आप अगर कंपेयर कर लो कंपटीशन से, टाटा अल्ट्रोस से कंपेयर कर लो या फिर नई बलेनो से कंपेयर कर लो, तो आपको फ्लूडी लगने वाली है, कोई भी ऐसी लैग जैसी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। नीचे बात करते हैं तो एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे भी रेड स्टिचिंग देखने को मिलती है आपको, जो सिग्निफाई करती है कि भैया आप i20 एन लाइन में बैठे हो। नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, बेसिकली जो ऐसे ऊपर नीचे करके आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो कुछ भी। और नीचे बटन्स जो है वो यहाँ से आपको अलग अलग कमांड्स दे सकते हो क्लाइमेट कंट्रोल के रिलेटेड। नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट एक मिलता है, साथ ही में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, और उसके अलावा आपको अनदर USB पोर्ट मिल जाता है। जो ये ब्लू वाला है वो थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग करेगा और ये थोड़ा सा हल्का सा स्लो करेगा। नीचे यहाँ पे चाबी लग रखी है, वहाँ पे आप वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पे है, और आपने देखा ही होगा Hyundai अभी भी वायरलेस चार्जिंग अपनी सभी गाड़ियों के जो टॉप एंड वेरिएंट होते हैं उसमें देती है, वो एक कन्वीनियंट चीज़ हो जाती है। यहाँ पे बात करें अब तो गियर स्टिक की बात करें तो ये N-Line के साथ में DCT गियरबॉक्स के साथ में है, तो काफ़ी ज़्यादा फन टू ड्राइव भी फैक्टर अब ऐड हो चुका है। वो अभी आज वीडियो में बात नहीं करेंगे, जब ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे उसके बारे में तब बात करेंगे। कमेंट्स में आप बताइए अगर आपको ड्राइविंग पार्ट वाला वीडियो चाहिए तो। यहाँ पे आपको हैंडब्रेक मैनुअल मिल जाती है, दो कप होल्डर मिल जाते हैं, SCC कुछ आपको सीट्स मिल जाती है, N इज़ रिटर्न ओवर देयर, और चेकर्ड फ्लैग अगेन यहाँ पे भी ये मेंशन किया गया है कि चेकर्ड फ्लैग जो है वो N-Line रिप्रेजेंट करता है Hyundai का। यहाँ पे ऊपर आपको टिकट होल्डर ही मिल पाता है और कुछ भी आपको नहीं मिल पाता। ऑटो डिमिंग IRVM आपको ऊपर मिल जाता है, जो कि SOS और ब्लू लिंक कनेक्टिविटी के साथ में आता है। ऊपर आपको यहाँ पे लाइट्स के रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, रीडिंग लैंप्स के रिलेटेड आपको सनरूफ मिल जाती है, जो कि छोटी वाली है लेकिन ठीक ठाक है, सनरूफ आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। यहाँ पे सनवाइजर की बात करें तो वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन कोई भी लाइट जैसी चीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको इसके साथ में मिल जाता है। हाँ जी, यहाँ कूल्ड ग्लव बॉक्स है, और आप यहाँ से वो जो सेटिंग कर सकते हैं आपकी कितना फ्लो आना चाहिए अंदर ग्लव बॉक्स के अंदर, और ठीक ठाक साइज़ का है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है लेकिन ठीक ठाक साइज़ का है। तो यही सब तो चीज़ें थी। अब आर्मरेस्ट के बारे में बात करते हैं। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है इसके साथ में, और पीछे अंदर आपको ठीक ठाक साइज़ मिल जाती है, जो कि अभी आप मेरे हाथ से गैस कर पा रहे होंगे। तो ये सब था इंटीरियर में, आगे की सीट के बारे में अब बात कर लेते हैं पीछे की सीट्स में जाके, और देख लेते हैं कि क्या कुछ एमिनिटीज़ है पीछे की सीट्स में। चलिए पीछे की सीट से बात करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मैगजीन होल्डर जैसा कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आगे है मैंने आपको बता दिया। नीचे आपको यहाँ पे फ़ोन होल्डर मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना फ़ोन फिट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आपको एक USB पोर्ट मिल रखा है जो कि एक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, विच इज़ ए गुड थिंग। और ड्राइवर सीट के पीछे यहाँ पे आपको कोई मैगजीन होल्डर नहीं मिलता, लेकिन को ड्राइवर सीट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर मिलता है। नाइस टच। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप एक मिल जाता है प्रॉपर, जो कि हेलोजन है, को LED बेस्ड कुछ भी नहीं है वो। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल के साथ में कोट हुक मिल जाता है, सेम इज़ द केस विथ हियर इज नॉट हैपनिंग। यहाँ पे आपको कोई भी कोट हुक जैसा नहीं मिल पाता। क्वार्टर ग्लास आपको यहाँ पे मिल जाता है, प्रॉपर रियर हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, दो ही हेडरेस्ट आपको पीछे मिल पाते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक आर्मरेस्ट मिल पाता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी कप होल्डर जैसी चीज़ नहीं है। रियर पार्सल ट्रे आप अभी देख पा रहे होगे। यहाँ पे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं, थाई सपोर्ट, और उसकी बात करें तो यहाँ पे आप अभी देख पा रहे हो कि मेरे पैर जो है ऑलमोस्ट अंदर हो रखे। आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेबल थी, और अंदर जो है वो मेरे पैर जो है पूरे अंदर जा चुके हैं, और थाई सपोर्ट अभी ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टूर पे शायद ही आपको प्रॉब्लम दे सकता है अगर आप 6 इंच से ज़्यादा। मैं 6'0" के हूँ, 6'0" का हूँ मैं, और अगर आप मुझसे भी टॉल है, 6'0" से भी ज़्यादा टॉल है, तो फिर सोचने वाली बात होगी।
हेडरूम की बात करें ऊपर के, तो ठीक ठाक आपको हेडरूम मिल जाता है, कोई भी ऐसे लैग जैसी चीज़ नहीं है, आपको कोई भी लैग नहीं मिलता हेड इन टर्म्स ऑफ हेडरूम। और थाई सपोर्ट मैंने आपको दिखाई दिया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको परेशानी हो इन टर्म्स ऑफ हेडरूम या फिर थाई सपोर्ट। हाँ, पीछे की सीट में आपको आप तीन बंदे को नहीं बिठा सकते, लेकिन टू एडल्ट्स और एक बच्चा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी अ बेटर। तो चलिए, यही सब था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ड्राइव इन्फो चाहिए अगर इस गाड़ी इस वीडियो के साथ i20 N-Line का, तो कमेंट्स में आज ही बताइए हमें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। शेयर विथ योर ऑटो एंथुजियास्ट फ्रेंड्स फॉर डेली इंटरेस्टिंग ऑटोमोटिव वीडियोस एंड ड्राइव्स रिव्यूज। ड्राइव सेफ गाइज, थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू, बाय बाय।